फ्रेंड्स, ये रहा प्याज भाजी और चना दाल, और ये आलू, और ये है राइस। तो मुझे ये सब चीज़ एक साथ उबालना ही है, मुझे ये एक साथ उबालना है। और क्यों नहीं, हम एक साथ ये सब काम एक साथ कर सकते हैं। बाकी चना दाल और जो प्याज भाजी, उसे मैं बाद में छौंक लगाऊंगी। मेरे यहाँ छोटा बच्चा है, इसीलिए मुझे ये आलू बॉईल करना होता है। और बॉईल, मेरी बेटी की बॉईल पोटैटो खाती है, तो मैं उसके लिए डेली एक बॉईल पोटैटो मैं डेली बॉईल करती हूँ। उसके साथ मैं राइस भी रख देती हूँ, ताकि मुझे अगर राइस, क्योंकि ये तीन सिटी में तो आराम से ये भी पक जाएगा, ये भी पक जाते हैं, तो मेरा एक साथ ये तीनों काम हो जाएगा। बाकी काम रहा बाद में छौंक लगाने का, तो वो इजी 2 मिनट में हो जाता है। मेरे को बाद में छौंक लगाया हुआ ही पसंद है, क्योंकि बाद में मैं छौंक लगाने के लिए प्याज और चने दाल के साथ मैं लहसुन और लाल मिर्च का तड़का देती हूँ, और टमाटर डालूंगी जल्दी, और नमक डाल दूंगी, ताकि मेरा प्रोसेस खत्म हो जाता है। और जब बाद में आप छौंक के साथ खाएंगे ना चना दाल और प्याज भाजी, तो ऐसी सब्जी आप कभी भी नहीं खाए होंगे, क्योंकि इतनी टेस्टी लगती है कि आप ऐसा जो भघार देते हैं ना, डायरेक्ट भघार ना देकर के थोड़ा सा बॉईल करना ही चाहिए। मुझे तो ऐसा ही पसंद है, आप बताना कि आपको कैसा पसंद है। और ये इजी है ना, तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, कम टाइम में आपका हर चीज़ फटाक से तैयार हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये उबल चुका है, और कुछ भी चीज़ मेरा बिगड़ा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने ऐसे अलग किया, सब रेडी है ना एकदम, बिल्कुल ये ऐसा किया। और ये देखो, ये दाल चने दाल जो भी है मेरे, सब उबल चुके हैं, तो मैं इसे पहले अलग कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इसे खिलाना है बेबी को। और ये हो गए आलू सब अलग, और ये चना दाल और मेरी ये प्याज की भाजी रेडी हो चुका है बॉईल होके। और जस्ट मैंने यहाँ पर तड़का दे दिया है इस पे, तो तड़के में मैंने सिर्फ 3 चीज डाली हूँ, सिर्फ ये है टमेटो, गार्लिक, एंड मैंने ग्रीन चिली का यूज किया हुआ है। आपके पास अगर सूखी मिर्च हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। और इसकी जो छौंक रहेगी, लहसुन की जो टेस्ट होता है ना, वो इतना उसका फ्लेवर बहुत बढ़ा देता है। टमाटर और लहसुन और मिर्च का ही बस उसके साथ इतना फ्लेवर अच्छे से कर देता है कि पूछिए मत। अभी मैं सिर्फ इसमें अब ऐड करने वाली हूँ, स्वाद अनुसार मैंने इस पर थोड़ा नमक डाल दिया, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी मिला दिया बस, और ये थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर मिला दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, डाल सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे हो अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और बस मेरा ये छौंक का ही पेस्ट रेडी है, इसे अच्छे से आप गलाइए, और जैसे ये ऑटोमेटिक तेल आपको भी ज़्यादा ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और ये टमाटर मेरी अच्छे से पक चुकी है, और ये मेरी ये जो लहसुन है वो भी पक गया है, ये देखिए है ना बस। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ अपना ये प्याज भाजी का छौंक, ये सारी सब्जी बनी हुई है, और इसे खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।